राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के संस्थापक आफताब तालिब अंसारी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनौर निवासी रिटायर्ड जेई इंजे शफकत उल्लाह अंसारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के संस्थापक आफताब तालिब अंसारी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सद्दाम हुसैन अंसारी और राष्ट्रीय सह सचिव दिलदार अंसारी की मौजूदगी में बिजनौर के मोहल्ला काजी पड़ा निवासी रिटायर्ड जेई इंजी शफकत उल्लाह अंसारी राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सद्दाम हुसैन अंसारी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हिफजुर रहमान उर्फ पप्पू अंसारी नोएडा के जिलाध्यक्ष, यामीन अंसारी बागपत के जिलाध्यक्ष, जानू अंसारी गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष, रिजवान अंसारी, वसीम अंसारी व दिलशाद अंसारी, मुन्ने अंसारी, बिरादरी के सरफरत हाजी असलम अंसारी और दिगर अंसारी समाज के लोग मौजूद थे। अपने मनोनयन पर इंजे शफकत उल्लाह अंसारी ने कहा कि आज से मैं कोशिश करूंगा कि संगठन के संविधान व अनुशासन के दायरे में रहकर समाज के दबे कुचले शोषित वंचित आवाम व समाज के हक व अधिकार दिलाने व इनकी तरक्की के लिए संघर्ष करूंगा और समाज की तरक्की व जागरूकता के लिए अपने लोगों के मार्गदर्शन में रहकर समाज को सामाजिक रूप से जागरूक करने का काम करता रहूँगा। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी। नॉमिनेशन किया गया है, मैं तमाम मुरादनगर और जिला गाजियाबाद की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब शफाकतुल्लाह अंसारी आज से राष्ट्रीय अंसारी एकता के सदर मुंतखब किए गए हैं। जो साहब सदर जी, इसके लिए मैं तमाम जो हाजिरीन मजलिस हैं उनकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन्होंने इंतखाब किया है उनको भी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो सद्दाम साहब बाहर से तशरीफ कहाँ से लाए हैं, मेरे रुद्रपुर से आए हैं, इनका भी इस्तकबाल करते हुए, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आज की तकरीब को मैं चाहता हूँ कि जो सदरिया या जो सदर चुने गए हैं वो अपनी जबान से हमको जितना सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह उससे 10 गुना हम आपसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।